हेलो सलाम नमस्ते कैंप शो, स्वागत है आपका भुज में। और आज हम घूम रहे हैं भुज सिटी के अंदर, और यह वाला वीडियो पूरा भुज सिटी के ऊपर रहेगा। तो चलो सीधा चलते हैं पूरे भुज को घूमने के लिए। जैसे ही आप भुज में घुसोगे तो आपको यह स्मृति वन देखने को मिलेगा, और मेरे चैनल पर इसका स्मृति वन का एक स्पेशल ब्लॉग है। और ये है एक सर्कल अदानी हॉस्पिटल के पास वाला है, और ये भुज का सरकारी हॉस्पिटल है जीके जनरल, या अदानी हॉस्पिटल कहते हैं इसको। यहाँ पे फ्री में इलाज होता है, मोस्ट ऑफ एकदम मिनिमल चार्ज होता है। और अभी हम जहाँ जा रहे हैं वो भुज का जुबली ग्राउंड है, भुज का सेंटर कह सकते हैं उसको। ये भुज का जुबली सर्कल मेन, ये भुज का हॉस्पिटल रोड है। इधर सारी हॉस्पिटल मिलेगी आपको। ये दूसरा रोड है हॉस्पिटल का। तो ये हम लोग भुज शहर से थोड़ा दरबारगढ़ की साइड जा रहे हैं, और जैसे आप आगे बढ़ोगे तो रास्ते में आपको छतरी दिखेगा जो यहाँ जस्ट लेफ्ट बाजू में ही है। यहाँ पे चार स्पेशल छतरी बनाई गई थी जिनके नाम है राव लाखा, राव रायधन, राव देसाई, राव परागमल। ये जो काफी प्रभावशाली राजा थे, इसलिए उनके लिए स्पेशल छतरी यहाँ पे बनाई गई थी। ये वाली छतरी सबसे बड़ी छतरी है जिसे राजा राव लाखा जी के लिए बनाया गया था। अभी जो आपके सामने है यह स्वामीनारायण मंदिर का मेन गेट है, जो देखने में काफी सुंदर है। और हमीरसर लेक के सामने ये रामकुंड का इधर रास्ता है। ये रामकुंड के बाजू में छोटा सा रेस्टोरेंट है जहाँ पे 20 रुपये की थाली में आपको रोटी और सब्जी मिलेगा, जो काफ़ी अच्छा है। मैं भी यहीं पे खाना खाया। इस केंद्र को श्री राम रोटी केंद्र बोलते हैं, और यहाँ से आप 20 रुपये का कूपन लेके खाना खरीद सकते हो। और यहाँ पे थाली और बर्तन खुद ही धोना पड़ता है खाने के बाद। और एक छोटा सा मंदिर है। तो यहाँ पे हमने खाना खा लिया और सीधा चलते हैं रामकुंड की तरफ। ये जो आपके सामने मंदिर है ये रामकुंड है, यहाँ पे लिखा है रामकुंड। मैं आपको बाहर से दिखा देता हूँ।
और यहाँ पे ये कोटेश्वर महादेव जी का एक मंदिर भी है, कंठेश्वर, सॉरी कोटेश्वर नहीं कंठेश्वर। अमृतसर लेक यह कच्छ म्यूजियम के एग्जैक्ट सामने ही है। तो अभी हम आ चुके हैं कच्छ म्यूजियम में। तो मैंने ये 100 रुपीज का टिकट लिया है फोटोग्राफी के लिए, वीडियोग्राफी का 500 चार्ज है जो काफी ज्यादा महंगा है। तो हम चलते हैं सीधा अंदर। अभी हम जा रहे हैं पराग महल की तरफ और एक ये मंदिर है सिद्धि विनायक मंदिर सामने और इसका मेन गेट। तो अभी जो आपके सामने वो दिख रहा है वो पराग महल है जो आपको ऊपर दिखेगा। और ये है सामने दरबारगढ़ और प्राग महल के अंदर एंट्री ले रहे लोग। ये कुछ डोली है जैसा कि आप देख सकते हो जो पुराने जमाने में महारानियों को इधर से वहां लेके आने जाने में यूज होता होगा। और यहाँ पे ये शक्तिपीठ जो सामतरा में है उसका रिप्लिका बनाया हुआ है। कच्छ के महाराव श्री नॉर्वे में राजदूत थे वहां या भारत के, उनकी याद में यह या स्मृति बनाया हुआ है। और सेम ऐसी रिप्लिका गांधीधाम में ओस्लो सिनेमा के नाम से जानते हैं जिसे गांधीधाम में बनाया हुआ है जैसे आप देख सकते हो। पराग महल का नाम यहाँ के राजा राव परागमल जी के नाम पर रखा गया था और इस महल का निर्माण कार्य लगभग सन 1865 में चालू हो गया था। और इस महल का डिजाइन सेंट हेनरी के द्वारा डिजाइन किया गया था और इसका इस महल को बनाने में यहाँ के कच्छ के मजदूर भी शामिल थे और उन्हें मजदूरी के रूप में सोने का सिक्का दिया जाता था। और इसका निर्माण कार्य लगभग 1880 के करीब कम्प्लीट हुआ था और इस महल को बनाने लगभग उस टाइम 1875 के टाइम पे 31 लाख रुपये का खर्चा हुआ था। अभी हम जा रहे हैं सीधा मेन मार्केट हैंडीक्राफ्ट के, ये भुज के आईना महल के सामने एक हैंडीक्राफ्ट मार्केट। यहाँ पे आपको सब अच्छे आइटम देखने को मिलेगा। यहाँ पे पास में 3D पेंटिंग की दुकान है। ये है वंदे मातरम उद्यान जो अमृतसर लेक के पास है। यहाँ पे आप आराम से बैठ भी सकते हो शाम के टाइम और अमृतसर लेक के व्यू का नज़ारा का मजा ले सकते हो। और इस लोकेशन का नाम है वंदे मातरम उद्यान।
जस्ट मिसर लेक के पास में ही है। और ये भुज सिटी का मेन रोड है, या भुज का मेन मार्केट कह सकते हैं। तालुका पंचायत कचहरी भुज, जिला सेवा सदन। तो ये था पूरा भुज सिटी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करें, चैनल को नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।